हेलो दोस्तों, पैथन की इन क्लास में आज बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। जी हाँ, हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? तो लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली तीन होते हैं। सबसे पहला आता है आपका एंड, फिर आता है आपका और, फिर आपका आता है नॉट। ये बेसिकली तीन एप्लीकेशन यहां पे आते हैं। एंड जो होता है बेसिकली दो कंडीशन इसमें डलती है, अगर दोनों रिक्वायर होते हैं, फुलफिल होते हैं तो ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। और फॉर्मूले का काम क्या है कि दो में से कोई एक भी अगर रिजल्ट ट्रू आया तो यहाँ पे ट्रू आया, अदरवाइज फॉल्स आया। नॉट जो होता है निगेटिव का काम करता है, मतलब ट्रू को फॉल्स एंड फॉल्स को ट्रू करने का काम करता है। अब चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया x इक्वल टू 200। हमने क्या लिखा? हमने लिखा x इक्वल टू 200 और फिर यहाँ पे y इक्वल टू 100 करते हैं। अब यहाँ हम प्रिंट कमांड के जरिए देखेंगे कि क्या करता है एंड। अगर मैंने मान लीजिए कि एंड यहाँ पे लिख दिया x एंड y, अभी क्या है कि x क्या हो गया, x ट्रू नहीं है, इसलिए हमेशा आपको क्या रिटर्न करेगा, y रिटर्न करेगा। तो x इक्वल टू फॉल्स रिटर्न द y, अगर दोनों को इस तरह से आप लिखते हैं, मतलब कि कोई लॉजिकल ऑपरेटर नहीं देते हैं। तो अब यहां पे मैं लिखूं कि प्रिंट यहां पे कि x और y, अब यहां पे क्या होगा, x रिटर्न करेगा 200 रिटर्न करेगा। तो इस तरह से लिख रहे, लेकिन इस तरह से इसका यूज नहीं होता है, इसका यूज एक कंडीशंस में होता है। जैसे एग्जाम्पल कि मैंने x इक्वल टू 100 कर दिया, अब मुझे यहाँ पे कमीशन शो करना है। कमीशन ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि 100 से 300 के बीच में हुआ तो हम 500 का क्या देंगे, कमीशन देंगे। जी हाँ, 500 का कमीशन देंगे। सिंपल सा, तो मान लीजिए यहाँ पे 150 है। अब इसके लगाएंगे हम इफ का कमांड, हम देंगे यहाँ पे कि इफ ब्रैकेट में एक्स इज ग्रेटर देन 100 और एंड एक्स इज लेस देन 300। अब यहाँ पे हम देते हैं, यहाँ पे प्रिंट कमांड देते हैं कि प्रिंट द कमीशन इज, और हमने कॉमा करके यहाँ पे 500 दे दिया, या कोई ब्रेवल है तो ब्रेवल दे दिया। अब मैं इसको देखिए रन करूँगा तो नीचे हमारा देखिए आ गया द कमीशन इज 500। द कमीशन क्या आया, 500 आया। तो हमने क्या किया, बिटवीन किया, हमने क्या किया 100 से 300 के बिटवीन किया। अब चलिए कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ y इक्वल टू क्या है, सैटरडे है, क्या मंडे है या संडे, कोई ऐसा डेट हो सकता है। अब मुझे यहाँ सैटरडे संडे हो तो वीकेंड प्रिंट करना है, अदरवाइज वीक डे प्रिंट करना है। तो इफ कंडीशन में हमने y इक्वल टू क्या लिख दिया, हम लिख देते सैटरडे। और फिर यहाँ पे अब यहाँ पे और देंगे क्योंकि y पे सैटरडे हो सकता है, संडे हो सकता है। अब एक छोटी सी गलती यहाँ पे हो गई, आप रेड कलर देख पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने y में इक्वल किया हुआ है। लॉजिकल ऑपरेटर जब मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में पढ़ाई थी उसमें मैंने बताया था कि हम इक्वल में डबल इक्वल देते हैं, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। बहुत गलती होती है, क्वेश्चंस आते हैं सर मेरा मैच नहीं कर रहा, तो यही प्रॉब्लम होती है। दैट y इक्वल टू संडे और यहां पे हम कॉलम देते हैं
और देते हैं कि प्रिंट वीक एंड। अब यहां पे एंटर मार के बैक स्पेस जाके इफ के सिंपल से आएंगे और फिर एल्स देंगे, नहीं तो फिर एल्स आपको रॉन्ग दिखा देगा। ये लाइनिंग जो आपको दिख रही है इफ कंडीशन में, इन लाइनिंग का थोड़ा सा मतलब रखना होता है। यहां पे हमने क्या किया, प्रिंट किया, प्रिंट वीक डेज। अब इसको राइट कीजिए, तो सैटरडे है इसलिए यहां पे वीकेंड आया। लेकिन क्या मान लीजिए कि मैं अपना स्मॉल कर देता हूं, तब क्या होगा, वीक डे आया। मतलब कि पैथन के अंदर जो इफ होता है वीवी की तरह केस सेंसिटिव होता है। तो यहां पे आपने एंड और यहां पे आपने और के बारे में जाना कि एंड और कैसे परफॉर्म कर रहा है। चलिए थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट इसको बनाते हैं। तो कॉम्प्लिकेट में हम क्या करेंगे, यहां पे हम करते हैं कि मेरे पास जो है रिजल्ट है कि सब्जेक्ट वन इक्वल टू 50, सब्जेक्ट टू इक्वल टू 30, सब्जेक्ट थ्री इक्वल टू 80, सब्जेक्ट थ्री एंड सब्जेक्ट फोर इक्वल टू 90। अब मुझे इसमें रिजल्ट देना है और रिजल्ट में सिंपल सा है कि सारे सब्जेक्ट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होना चाहिए, तो पास होगा अदरवाइज फेल होगा। तो यहाँ पे हम इफ कंडीशंस में वन बाय वन लगाएंगे, सब्जेक्ट वन इज ग्रेटर देन 30 और फिर यहाँ पे एंड देंगे, फिर सब्जेक्ट टू इज, देखिए अब कैपिटल लेटर भी दिक्कत हो रहा है ना, क्योंकि हमने एस को कैपिटल लेटर में लिखना है और यहां पे S2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 अगेन एंड S3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड S4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 और यहां पे हम सेमी कॉलम देते हैं, नीचे एम्प्टी मार्क है, यहां पे इक्वल, तो सेमी कॉलम देना था, कॉलम देना था, सेमी कॉलम दे दिया। यहां पे एरर शो कर रहा है कुछ, प्रिंट पास और एल्स प्रिंट फेल। तो जैसे ये जो मैंने कंसेप्ट बताया, मोस्टली मैं इसको एक्सेल पे इस्तेमाल करता हूँ, मोस्टली मैं इसको एंड का ये जो कंसेप्ट है इसको हम एक्सेल में इस्तेमाल करते हैं। अब प्रॉब्लम आता है कि ये थोड़ा सा गलत दे रहा है, जी हाँ ये जो है ये आपका गलत दे रहा है। क्यों गलत दे रहा है, रन कीजिए, क्योंकि रेड कलर लगा हुआ है, इसका मतलब कि आपका प्रोग्राम गलत है। आपका क्या है, प्रोग्राम जो है गलत है। तो अगर मैं इसको यहां रन करता हूं तो देखिए सिंटैक्स एरर यहां पे आपको शो होगा, देखिए इनवैलिड सिंटैक्स एरर, क्योंकि यहां प्रॉब्लम है एस वन। ऐसे एक काम करते हैं, इस सब्जेक्ट वन है तो मैं यहाँ पे एस वन के जगह पे एस कर दूँ, यहाँ
मान लीजिए कि ये हमारा हिंदी का है तो एच हो गया हमारा, ये हमारा संस्कृत है तो एस हो गया, ये मान लीजिए मेरे पास इंग्लिश है, ये मान लीजिए मेरे पास मैथ। सबसे पहले देखिए क्या न्यूमेरिकल हम ले सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि कई क्या एक्सेल में तो आप इस तरह से एस वन बी वन सी वन बी वी में आप नहीं ले सकते हैं। तो एच कर दिया, एच के बाद हमने यहां पे एस कर दिया, और इसके जगह पे ई हो जाएगी, इसके जगह पे हमारा फिर भी आपका एरर नहीं हटा। नहाने के पीछे रीजन क्या? अब यहां पे एक काम हो सकता है कि मैं इसको यहां से कट कर देता, अब हट गए, अब ये आपका इनवैलिड सेंटेंस। अब रन करके देखिए, लाइन वन रिकॉर्डिंग स्टॉप। इसमें कंडीशंस की प्रॉब्लम है, चलिए मैं यहाँ दूसरे तरह से करता हूँ। फाइल में प्रॉब्लम थी, मैंने रीस्टार्ट किया तो सही चल रहा। अब मैं दोबारा से करता हूँ, 30 बी इक्वल टू हमने डाल दिया 35, और फिर यहाँ पे इस कंडीशंस में हमने डाला कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 और यहाँ पे एंड बी इज लेस देन इक्वल टू 30 नहीं ग्रेटर देन माफ कीजिएगा ग्रेटर देन टू 30। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा कि प्रिंट, प्रिंट में हमने यहाँ दिया पास, फिर यहाँ पे एल्स में आए, एक बैक स्पेस से यहाँ कर्सर लेके आया स्टार्टिंग में इफ के नीचे एल्स, और फिर यहाँ पे हमने प्रिंट दिया प्रिंट, और प्रिंट में हमने दिया पास। वो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का फर्क होता है, तो लेटर भी आपको चेक करना होगा। रन करते ही देखिए यहां पे पास आ गया। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक सी इक्वल टू 30 कर देता हूँ, और क्या यहाँ हम एंड लगा के सी इज लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तीसरा कंडीशन हम ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैंने इसको रन किया तो ये पास आ रहा है, मतलब तीसरा करेक्टर भी एंड हम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 29 होगा और अब मैं इसको रन करूंगा
तो आप देखेंगे यहाँ पे फेल आया, आया फेल क्योंकि ये पास नहीं हुआ। अगर मान लीजिए चौथा कंडीशन है, हम यहाँ पे डी कर दिया, डी इक्वल टू 85 कर दिया और यहाँ हम कर देते हैं एंड डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35। तो इस तरह से मल्टीपल कंडीशन हम दे सकते हैं, बट याद रखिएगा कि कैपिटल लेटर वगैरह यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले जो प्रॉब्लम हो रही थी हमारी प्रोग्राम में, हमने कैपिटल लेटर लिख दिया। अब क्या है कि मेरी हैबिट है वीवीए प्रोग्रामिंग की, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में कैपिटल स्मॉल का कोई पंगा होता नहीं है, और दिन में मैं कम से कम 7 घंटा 6 घंटा वीवीए पे ही काम करता हूँ, तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहाँ पे ये चीजें आप कर सकते हैं, तो इस तरह से मल्टीपल कंडीशंस आप लगा सकते हैं। अब नॉट का यूज क्या होता है, अब मान जो अब यहाँ पे मुझे ये करना है कि जो फेल हुआ है ना, जो फेल हुआ है उस फेल को हमें क्या करना है, रिटर्न करना, मतलब कि रीटेस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो ये सारे कंडीशंस आप देख पा रहे हैं, तो मान लीजिए इस कंडीशन को ले लिया हमने और वापस से कंडीशन चेंज करेंगे, उससे अच्छा है कि हम इफ नॉट और ब्रैकेट में हमें दे दिया और फिर यहां पे कर दिया प्रिंट री टेस्ट। अब इसको हम, अब नॉट क्या होगा कि अगर फेल होगा तो रीटेस्ट आएगा, अगर पास हुआ तो नॉट क्या हुआ कि ये जो रिजल्ट आएगा अगर ट्रू आया तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स आया तो ट्रू कर देगा। नॉट का सिंपल सा काम है कि ट्रू को फॉल्स एंड फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो ये जो थी हमारी एंड का मेथड था। अब चलिए हम और के मेथड पे चलते हैं। अब मैं इस प्रोग्रामिंग को डिलीट करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास पैन कार्ड है, यहाँ पे मैं पैन कार्ड में वाई कर देता हूँ, उसके बाद मेरे पास वोटर आई कार्ड है, कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, वोटर आई कार्ड में मैं भी वाई कर दिया, और बाकी जैसे कि यूआईडी है। अब यहाँ पे क्या गया है कि बाकी चीज़ें भी हैं, तो मैं वन बाय वन चलता हूँ। मैं यहाँ इफ का कमांड लगाता हूँ, इफ हमने बोला कि पी, अब यहाँ डबल इक्वल देना है, पी इक्वल टू वाई, और फिर मैंने यहाँ पे और का फॉर्मूला लगाया और वी इक्वल टू डबल इक्वल एन वाई, और यहाँ पे फिर हम सेमी कॉलन दे के प्रिंट कमांड देते हैं कि प्रिंट ओके, मतलब कि इसका आईडी प्रूफ ओके हो गया, और फिर यहाँ एल्स कमांड देते हैं और यहाँ देते हैं प्रिंट, यहाँ पे देते हैं पेंडिंग, कि हाँ पेंडिंग हो गया। आप रन करके देखिए रिजल्ट आपके पास आएगा। तो हमें इसमें क्या किया, हमने दो कंडीशन दी है। अगर मैं यहाँ पे तीसरा कंडीशन देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए डी है, तो डी इक्वल टू भी हमने वाई कर दिया या एन कर दिया, उसी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां आप और लगाइए, और लगा के अगेन आप यहां पे कर सकते हैं कि डी डबल इक्वल एन, जैसे आपने और का यूज किया है ऐसे यहां एंड का यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन आती है कि मुझे यहां पे एंड और दोनों चाहिए, मतलब कि पैन कार्ड तो होना ही होना चाहिए, उसके अलावा डी वोटर आई कार्ड और डीएल में से कोई एक होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि यहां आप लगा दीजिए एंड का फॉर्मूला, एंड और हो गया। तो अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ओके आ रहा है। अब मान लीजिए पैन कार्ड में मैं अब यहां ओके आ रहा है ना, यहां पे स्मॉल वाई करूं तो क्या होगा, फिर ओके आ रहा है, राइट। अब मैं यहां पे एन कर देता हूं तब क्या होगा, फिर भी ओके आ रहा है, क्योंकि ये इसको इससे ले रहा है फिर इससे ले रहा है, कम दोनों को आपस में नहीं कर पा रहा। तो आप इन दोनों को ले लीजिए ब्रैकेट में, मतलब कि आपके जो एंड है और है दोनों को हमने ब्रैकेट में लेके फिर यहाँ पे ओके किया। अब देखिए यहाँ पे पेंडिंग आया। तो जब एंड और को इस तरह से करे तो ब्रैकेट से सेपरेशन करना ना भूले।
तो ब्रैकेट से सेपरेट करने पे फिर आपका सही तरीके से वर्क करेगा। तो इस वीडियो में हम कोर पैथन में हमने आपके साथ बात किया लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में हमने बात किया आपके साथ। और जो लॉजिकल ऑपरेटर है यही आपका बुलियन ऑपरेटर भी होता है, क्योंकि ये ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर ही परफॉर्म करता है। अब हम आगे क्लासेस में आपके साथ बात करेंगे बिट वाइज कनेक्शंस के बारे में, बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में। थैंक यू।